आदेश गुप्ता जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम कामों को गिना रहे हैं कि बीते 15 सालों में क्या किया, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि 230 सीटें आने वाले। हालांकि एक बार दर्शकों को बता दें कि हमने आम आदमी पार्टी को भी इनवाइट किया था और वो यहां नहीं आए हैं, क्या वजह रही वो जाने या आप जाने। लेकिन सवाल फिर यही सर कि 230 सीट का वो दावा कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं काम गिना रहे हो और लग रहा है कि बीजेपी की इस बार हालत थोड़ी खराब है। देखिए ऐसा है कि जहां तक आपने उनकी बात की है, पहला इंडिकेशन तो हो गया, डिबेट से ही भाग गए, यहां पर आए नहीं, आपने निमंत्रण दिया, हमने वेट किया, वो पहुंचे नहीं, एक बात। दूसरी बात, गोवा में भी सरकार बन रही थी बहुमत के साथ, अभी ये गुजरात में भी क्लेम कर रहे हैं सरकार बन रही है बहुमत के साथ, और उत्तरांचल में भी सरकार बन रही थी। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने गए हो और उनके प्रवक्ताओं ने झूठ ना बोला हो? ये तो पता नहीं कैसे उन्होंने 260 नहीं बोल दी कि हम 250 में से 260 जीत रहे हैं। सुभेंद्र जी, सामने अगर आप कैमरा घुमाएंगे, कूड़े की गाड़ी जो कि काउंसलर के यहाँ से आनी चाहिए थी, आपके एमसीडी के यहाँ से आनी चाहिए थी, दुर्भाग्य देखिए कि रेहड़ी पे घर घर जाके कूड़ा प्राइवेट लोगों को उठाना पड़ता है। मैं ये कहना चाहूंगा, पिछले 15 साल से आपकी एमसीडी दिल्ली में है और यहाँ के काउंसलर भी आपके बीजेपी के हैं। कूड़ा उठाने की एक नैतिक और एक छोटी जिम्मेदारी काउंसलर्स की होती है। अगर प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कूड़े वाले को ही कूड़ा उठाना पड़ेगा, और कूड़े का उठाने का जो प्रोसेस है, जो यहाँ पे गाड़ी आनी चाहिए, गाड़ी विकासपुरी में नहीं आती। देखिए सामने तो कूड़ा गाड़ी दिखाई पड़ रही है, ये रिक्शा में लेके आ रहा है। देखिए अब ये क्या, इन्होंने कैसे प्लांट किया मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये बता दीजिए, विकासपुरी के लोग खड़े हैं, मुझे बताइए सुबह म्यूजिक बजाती हुई गाड़ी आती है कि नहीं आती, पूछिए। मैं और सुनो, 2000 ये तो इन्होंने बुलाई है, ये गाड़ी लेके आए हैं साथ में, ये प्राइवेट गाड़ी लेके आए हैं, अरे ऐसे कैसे सामने दिखाई दे रही है गाड़ी। सर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर? देखिए सर, ऐसा मुद्दा तो यहाँ पर सफाई का है, सफाई जो जिस हिसाब से हो रही है उससे थोड़ी हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब विकासपुरी के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, कूड़े डेरी, मैंने तो कई बार ये काम किया। जिंदल जी तो हमारे काउंसलर हैं, इनके ये हमारे साथ आते रहते हैं आरडब्ल्यू में, आरडब्ल्यू में भी हूँ, तो मैंने इनको हमेशा एक बात कही कि भैया देखो, जब झाड़ू लगा लेता है ना एक आदमी, उसके बाद जो ढेरी है वो ढेरी नहीं उठती है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज हम 2022 में जी रहे हैं साहब, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा सफाई का? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर? छोटी छोटी कॉलोनियां हैं, कॉलोनियों के अंदर बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही है। आप नालियां जाके देखेंगे तो एमसीडी के 15 साल रह चुके हैं ये, पर फिर भी इनसे नालियां साफ अभी तक नहीं हो पा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भवन पे जाके देखो आप, ये यहाँ पे सफाई की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जाके देखो पानी तक नहीं सफा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर? सफाई एकदम बढ़िया होती है जी, सफाई की कोई चीज नहीं है यहाँ पे कमी, और हमारे कंपाउंड में जाके देखो विकासपुरी में एकदम सही सफाई होती है, ना ढेर लगता है। कांग्रेस को लेकर एक आरोप लगता है कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे वो आ गए, सारे नेता आ गए, लेकिन कांग्रेस के नेता, नीति और नियत तीनों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई पूरी ईमानदारी से लड़ नहीं रहे हैं। दिल्ली भर में अजय माकन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चले गए, लवली जी एक बार आए चले गए, तो दिल्ली में ये जो कांग्रेस के नेता है वो एक साथ नहीं आ रहे, देश भर के तो भूल ही जाइए। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको गलत ये बातें आप कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कांग्रेस के पास रोड मैप है, कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है जो कहा। शुभांकर जी, आरटीआई हम लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन दी दिल्ली को, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने दिया है, राइट टू फूड कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस जो कहती है वो डिलीवर करती है, इनकी तरह खोखले बाजे नहीं करते हम लोग। सर 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित ही रही, 8 साल से हमारे जो विज्ञापन जीवी है वो मुख्यमंत्री है, दिल्ली को आज भी जल से नल नहीं मिल रहा, ये विकासपुरी की हकीकत। वो तो कह रहे हैं कि हम हर घर में आरओ देंगे। 15 साल से 15 साल आरओ क्यों नहीं दिया? 15 साल दिए थे आपको आरओ देने के लिए, आपके पास दिए थे, किसने दिया? पानी कहाँ है दिल्ली के अंदर? सीवर कहाँ है? बनाई है, हुआ है सब कुछ कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। बड़ा मुद्दा क्या है? देखो जी, हमारे जो राजेश भाई साहब हैं, इन्होंने ख्याला के अंदर ठेका खोला हुआ है, इन्होंने 82 दिन से वहाँ पे धरना चल रहे हैं, जो हमारे कांग्रेस के भाई हैं इनका खुद की दारू की दुकान खोल रखी है बीच मोहल्ले में। सर यहाँ पर हम 30 साल से रह रहे हैं, 30 इयर्स अपार्टमेंट में रहते हैं, नवयुग अपार्टमेंट में, 30 साल से मच्छरों का इतना राज है, हम 4 बजे के बाद हम लोग घर में, हमें बुखार चढ़ जाता है, इतने मच्छर हैं कि आप असेस नहीं कर सकते। क्या प्रत्याशी है बीजेपी से? तो देखिए राजीव जी तो बात रख दे रहे हैं, लेकिन आपको जनता दोबारा क्यों चुने? 30 सेकंड आपको दे रहे हैं। मेरे को इसलिए चुने, हमने ईमानदारी से काम किया है। क्या किया है वही जानना चाहते हैं। हमने सफाई व्यवस्था चेक की है, पार्क अच्छे किए, सड़क व्यवस्था सबसे बढ़िया सड़कें हमने बना के दी हैं।